आज हम लेफ्ट ओवर रोटी में से एक टेस्टी और झट से बन जाए ऐसी एक नाश्ते की रेसिपी बनाएंगे, जिसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 रात की बची हुई रोटी ली है, इसे हम तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे। रोटी का चूरा बना लेंगे। रोटी का एकदम बारीक चूरा हमने बना लिया है। ये रोटी का चूरा 1 कप है, ये जरा सा भी मोटा नहीं होना चाहिए, इसे एकदम बारीक पीसना है। 2 बड़े आलू और 1 छोटा मैंने बॉईल करके लिया है, ये इसमें हाथ से ही तोड़ के डालेंगे इस तरह से। तीन टेबलस्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, 2 टीस्पून चॉप्ड अदरक ये अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च और अदरक को एकदम चॉप करके लेना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसके बदले में आप लाल मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। सब मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स कर लिया है, इसका हमें एक डो जैसा ही बनाना है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। हाथ में तेल लगा के एकदम छोटे छोटे बाइटिंग साइज के कबाब बनाएंगे। आप कोई भी शेप के कबाब बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और सर्व करने के टाइम पे इसे गर्मा गर्म फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसे इसी टाइम पे भी फ्राई कर सकते हैं। कबाब को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, कबाब फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे कबाब को फ्राई करेंगे। अब तक फ्लेम लो थी, अभी मीडियम कर लेंगे और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद कबाब को पलट लेंगे, दूसरी साइड पे पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी हो गया है, अभी कबाब को उलट पलट के थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। कबाब गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। फ्लेम लो कर लेंगे, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, रोटी का कबाब बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे लिख के जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।